ये मेन लोग हैं जिनके कारण हम सब कुछ अच्छा अच्छा देख सकते हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं। हेलो हेलो, कैसे सर? सॉरी, बढ़िया। इधर भी सर, इधर सारा कंट्रोल होता है, अभी भी अच्छे सारे कंट्रोल होने हैं, तो बाकी सारे तो सी टीवी तो देखियो। नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट रूम चलने हैं। चलो हुण PCR रूम ते तुसी वेख लिया, हुण वेखो एक्शन ते कट दे विचाले साडे कंटेस्टेंट ते जजेस आखिर कर दे की ने। ट्राई कर रहा हूं मैं, ट्राई कर। गुरजीत जी बनोगे हैं? कर गया, चलो लग रहा हूं ना थोड़ा सा। हां 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 हां, स्वैग भी है, स्वैग भी बुरा करके गया जन की तरह। अपा कम खिंच के ही रखना। हैरियल हैरियल हैफिज इन अमेजिंग फेस 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 इन अमेजिंग। पिछे घुमा हले भी उही करता काम। ये डायरेक्टर्स कट है। क्या भाई, आग लगा दी है सारे बच्चों ने। बच्चों ने तो लगाई लगाई है, मगर ना ये जो जो एक मेंटोर और साथ में उनके परफॉर्मेंस का था ना, कि एक मेंटोर और साथ में जो कंटेस्टेंट है वो परफॉर्म करेगा, उससे ना इतनी फायर इनके अंदर, पता नहीं कितने सालों बाद फायर जागी है। इनका दिया मैंने बुझा हुआ देखा था, मगर आज तो लॉ उछल उछल के बोल रही थी, भाई मैं मोहिनी हूँ, वापस आ गई हूँ। इनकी लॉ जली पड़ी है, फुल पावर। ये सब ये सौरभ पाजी, ये पता है 40 साल का बंदा, पता नहीं 20 साल का बन गया एक ही दिन में, पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस के नाम पे सारे इतने जवान हो गए। इसको देखो जरा, इतना मोटा हो गया था भाई मेरा, मगर अब क्या परफॉर्मेंस दी है, नेक्स्ट लेवल। आग लगा दी सबने, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस आई हैं। राहुल ने, मोहिनी ने, सौरभ ने, हरदीप ने, मयंक ने, सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कमाल है इस स्टेज का। इस स्टेज की एनर्जी, स्टेज की वाइब है जो हमें वापस यंग बना देती है। आर्टिस्ट हमेशा यंग हो जाता है, रंगीन हो जाता है और पावरफुल हो जाता है जब उसको ऐसा स्टेज मिलता है। तो मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂ ਬੀਨ ਜਜ ਔਨ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋ ਔਰ ਡਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਮੈਟਰ, ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ, ਦ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਇਨ ਆਲ, ਫੀਲਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰ ਨਾਲ, ਨikhil ਸਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ when I came on board, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਸਟਿਊਮਸ, ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਮੈਂਟੋਰਸ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਂਸ ਸਟਾਈਲਸ। ਤੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਸੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, तो वो चीजें हम लेकर आना चाहते थे इसके ऊपर। शुरुआत से पहले से यही बात हुई थी, और मैंने सर को पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं इस लेवल को बॉम्बे वाले लेवल तक तो लेके ही जाऊंगा, मगर आज तो ऊपर हो गया। मोस्ट ऑफ ऑल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਨਾਲੇ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ।